एयरफोर्स में आज अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई को शुरू की जाएगी। आज से 5 जुलाई तक होगा रजिस्ट्रेशन। आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। एनडीए की उम्मीदवार है मुर्मू। दिल्ली में राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम योगी। उत्तराखंड के सीएम ने पीएम मोदी से की मुलाकात। आज द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में मौजूद रहेंगे दोनों मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने किया अमित शाह से मुलाकात। महाराष्ट्र के सियासी हालात पर भी हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव हुए एक्टिव। आज बड़ी बैठक करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सभी सांसदों और विधायकों को बैठक में बुलाया। यूपी में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। कानपुर मुरादाबाद लखनऊ में प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। ड्रोन से संवेदनशील जगहों की जा रही है निगरानी। वाराणसी में आज जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन की पुख्ता तैयारी। 3 थाने के एसीपी और धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी ने की बैठक। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक के लिए लगाई है याचिका। यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से पिछले दिनों हुई कार्रवाई को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा था। आज उत्तर प्रदेश के 10 लाख ग्रामीणों को सौंपे जाएंगे घरौनी प्रमाण पत्र। 68,641 गांव में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में संपत्ति संबंधी विवाद में अब कमी आएगी। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। का सपा एक दल नहीं बल्कि जातिवादी ऑर्गेनाइजेशन है। पल्लवी पटेल की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा। सुरक्षित शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग ने लिया था संज्ञान। पल्लवी ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। अमेठी में लोको पायलट की अचानक मौत। अचानक तबियत खराब होने से हुई मौत। इंटरसिटी ट्रेन को लेकर जा रहे थे हरीश चंद्र शर्मा। आगरा के ताजमहल में डस्टबिन में मिली शराब की बोतल। सुलगी हुई बीड़ी। वायरल वीडियो होने के बाद सुरक्षा तंत्र में मची खलबली। रामपुर आजमगढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ पूरा। शाम 6 बजे तक रामपुर में 41.1% मतदान। वहीं आजमगढ़ में 48.5% तक मतदान हुआ। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव की दोनों सीटों पर 26 तारीख को होगी मतगणना। ईवीएम में कैद हुई सभी प्रत्याशियों की किस्मत। कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा के खिलाफ 2 और केस दर्ज हुए। मुख्तार की मां पत्नी बेटी और बेटा समेत कई पर केस दर्ज। शिव मंदिर को कोठरी दिखाकर कराई बेटी के नाम रजिस्ट्री। कानपुर हिंसा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी आका के इशारे पर हुई थी हिंसा। आरोपी अति खिचड़ी का पाकिस्तान शख्स से चैट आया सामने। बम फोड़ने की भी थी प्लानिंग। कानपुर हिंसा मामले में बाबा बिरयानी के खिलाफ कई कर्मचारी एसआईटी के रडार पर हैं। रुमाल हिलाकर भीड़ को बुलाने वाले बाबा बिरयानी का स्टाफ मालिक मुख्तार की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। गाजियाबाद लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 25,000 का इनामी बदमाश है रवि। दिल्ली एनसीआर में दर्ज है कई केस। जागते रहो की खबर का मंत्री संदीप सिंह ने लिया संज्ञान। जुलाई महीने तक हर बच्चे को बुक मुहैया कराने का दिया भरोसा। खास कार्यक्रम में स्कूल खुलने पर बच्चों को बुक न मिलने का किया था खुलासा। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की बड़ी कार्रवाई। डीजीएम एससी मिश्रा को हटाया गया। एलिवेटेड में भ्रष्टाचार पर हुई कार्रवाई। निर्माण कार्य में अधिक भुगतान की रिकवरी के आदेश। प्रधान महाप्रबंधक राजीव त्यागी को जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी। नोएडा जिला अस्पताल का सेंट्रलाइज एसी हुआ खराब। सेंट्रलाइज एसी खराब होने से मरीजों की मुसीबत बढ़ी। 4 बेड वाले वार्ड में महज 2 पंखे होने से मरीज परेशान। कई चिट्ठियों के बाद भी एसी अब तक ठीक नहीं हुआ। गाजियाबाद के विजयनगर में एक साधु ने 2 लोगों की हत्या की कोशिश और मारपीट का लगाया आरोप। राशिद और सुभाष नाम के 2 लोगों पर आश्रम में गला दबाकर हत्या का प्रयास का आरोप।
जौनपुर में दबंगों का कहर, दबंगों ने युवक की लाठी डंडे से जमकर की पिटाई, पशु चुराने को लेकर दोनों पक्षों में हुआ था विवाद। अंबेडकर नगर में बेखौफ दबंगों ने सरे राह युवक को जमकर पीटा, युवक की पिटाई करते दबंगों का वीडियो हुआ वायरल, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा युवक। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में दुकान में हुई लूट, बाइक सवार तीन बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। यूपी के बहराइच में सीसीटीवी में कैद हुई वाहन चोरी की वारदात, नर्सिंग होम के बाहर से चोरी हुई बाइक। रायबरेली में दो भाइयों के परिवार में जमकर चली लाठियां, मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। संबल में सुसाइड करते हुए फेसबुक पर लाइव होना शख्स को पड़ा भारी, लोगों की सूचना पर पहुंची जीआरपी ने धर दबोचा, बेरोजगारी से था परेशान। यूपी के मेरठ में 6 फीट की मूछ, नवनीत शर्मा की शान, 17 साल पहले पत्नी की मौत के बाद सिर्फ मूछों से प्यार करने की खाई थी कसम। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, एक ही परिवार के करीब 6 लोग घायल हुए, मारपीट का वीडियो वायरल। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, सड़क हादसे में 3 की मौत, घाटमपुर थाना क्षेत्र के मुगल रोड पर हुआ हादसा। बांदा में चलती स्कूटी में लगी आग, स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ियों ने भीषण आग पर पाया काबू, शहर कोतवाली के मयूर टॉकीज रोड का मामला। बिजनौर में बड़ा हादसा होते होते टला, फजलगढ़ के NH 74 पर चलती कार में अचानक आग लग गई, कार चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। जौनपुर के सिद्धिकपुर में रिटायर्ड सैनिक के घर पर दबंग पड़ोसियों ने धावा बोला, सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लखनऊ में ट्रांसजेंडर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन, केसरबाग कोतवाली में किन्नरों की सहायता के लिए खोला गया सेल। एटा में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी में 2 महिला समेत 7 अभियुक्त गिरफ्तार, 3 किलो से ज्यादा गांजा, 400 ग्राम चरस के साथ कार बरामद। जालौन में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर छात्र और छात्राओं ने लगाई डीएम से गुहार, घनाराम महाविद्यालय और वंशीधर महाविद्यालय के छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। एटा में युवक को नशीला पदार्थ पिलाकर लूटे 87,000 रुपये, रोडवेज बस स्टैंड पर 2 अंगूठी, मोबाइल और कपड़ों से भरा बैग लूटकर शातिर फरार। फतेहपुर में तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार 2 युवकों को रौंदा, हादसे में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पलटा, सड़क हादसे में साइकिल सवार दोनों मजदूरों की मौके पर जान गई। ललितपुर में युवक की पत्थरों से सिर कुचलकर दनमम हत्या कर दी गई, पूरा कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एवनी ग्राम की घटना। चित्रकूट पुलिस ने शांति चोर को किया गिरफ्तार, शातिर चोर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, 6 चोरियों का खुलासा किया, नकदी और जेवर भी इसके पास से बरामद किया। बाराबंकी में तेज रफ्तार डीसीएम ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार मौसी बेटी की मौत, डीसीएम चालक गाड़ी छोड़ मौके से फरार हुआ। गाजियाबाद से भीषण सड़क हादसा, हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, 3 युवकों के घायल होने की खबर, बंथला चिरौड़ी रोड पर सिखरानी गांव की घटना। हरिद्वार में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जोनल समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू पारा महेंद्र भाई बैठक मौजूद रहे। जोनल बैठक में महिलाओं और बच्चों पर असर विषय पर समीक्षा की गई। देहरादून से दिल्ली की यात्रा जल्दी होगी आसान, यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर दोनों राज्यों को जोड़ने वाले करीब 16 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू हो गया है, उत्तराखंड के सीमांत इलाके से सहारनपुर के मोहन तक ये जाएगा। रुद्रपुर के मेडिसिटी हॉस्पिटल में मरीज के मौत के बाद व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया, आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाकर जिसके चलते व्यापारी की जान चली गई। नैनी झील में अज्ञात महिला का शव मिला है, स्थानीय लोगों ने नैना देवी मंदिर के पास झील में शव को देखा, जिसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने शव को बाहर निकाला। हल्द्वानी में वन विभाग पर गंभीर आरोप लगे हैं, वन विभाग ने एक बाघ को ट्रैंक्विलाइज किया है, लेकिन जिस आदमखोर की तलाश में वन विभाग की टीमें लगी थी, आरोप है कि उसकी जगह दूसरे बाघ को ट्रैंक्विलाइज कर दिया गया। उधम सिंह नगर में मॉनसून आने के बाद भी क्षतिग्रस्त पुल की सुध नहीं ले रहा है प्रशासन, लोगों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर लोक निर्माण के कार्यालय पर धरना दिया है। जयपुर में बिल्डर ने खुद की अवैध बिल्डिंग ढहाई, 4 मंजिला फ्लैट की इमारत पर चढ़ाया बुलडोजर, जेडीए इमारत को 2 बार सील कर चुका है। राजस्थान के जोधपुर पाली हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग, केमिकल से भरे टैंकर में धमाका हुआ। राजस्थान के झालावाड़ में वीडियो का रुपयों से भरा बैग चोरी, बैग में थे 1,40,000 रुपये, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के जैसलमेर में युवक से हैवानियत, अवैध संबंधों के शक में युवक से की मारपीट, एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
एमपी के बड़वानी पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। कार से भागते हुए कई गाड़ियों को बदमाश ने टक्कर मारी। मुंबई की लोकल ट्रेन में युवक को लटक कर सफर करना पड़ा महंगा। चलती ट्रेन से गिरा युवक, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बढ़ते प्रदूषण की आशंका के बाद दिल्ली सरकार का फैसला, इस साल 1 अक्टूबर से अगले साल 28 फरवरी तक दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से मिला 21 लाख का सोना, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया अपडेट। देश में कोरोना वायरस के मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। गुवाहाटी के होटल में शिंदे कैंप की बैठक, आगे की रणनीति पर बागी विधायकों के साथ मंथन। विधायकों से समर्थन कर लिया गया हलफनामा, उद्धव ने बुलाई बैठक। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की हलचल हुई तेज। मुंबई से दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में महाराष्ट्र के महासंकट को सुलझाने का फॉर्मूला तलाशेंगे फडणवीस। शिंदे गुट को दिए ऑफर पर भी बात हो सकती है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आज भी जारी रहेगी राजनीतिक दलों की बैठक। मातोश्री पर नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे करेंगे मंथन। शिवसेना के बागी विधायकों को शरद पवार की चेतावनी, कहा बागी विधायकों की कीमत चुकानी होगी। बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा बागी विधायक मुंबई आएंगे, तस्वीर साफ होगी। शिंदे के बयान से साफ है उनके पीछे कौन है। एनसीपी की मीटिंग के बाद बोले अजीत पवार, एनसीपी महाविकास अघाड़ी के साथ है, अघाड़ी छोड़ने का फैसला शिवसेना करे। अजीत पवार ने कहा सरकार को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, एनसीपी के पूरे विधायक एक साथ हैं, उद्धव के साथ अंत तक खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र पर ममता बनर्जी का तंज, कहा गुवाहाटी के बजाय विधायकों को बंगाल भेजें, यहां विधायकों की अच्छी खातिरदारी होगी। महाराष्ट्र संकट पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सरकार अस्थिर करने के पीछे बीजेपी, ये सब बीजेपी का खेल रचा हुआ है। मुंबई में शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन, संजय राउत ने कहा सारे एमएलए चाहते हैं तो हम महाविकास अघाड़ी छोड़ देंगे, लेकिन विधायक मुंबई आकर बात करें। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि हम विपक्ष में बैठने को तैयार, उद्धव ठाकरे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने यह शिवसेना का आंतरिक मामला बताया, गठबंधन तोड़ना चाहते हैं तो उनका फैसला, ईडी का डर दिखाकर सरकार गिराने की साजिश। यूक्रेन संकट के बीच 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन, भारत समेत रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कोरोना महामारी का प्रकोप पहले की तुलना में कम हुआ है, दुष्प्रभाव अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिख रहा है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, नए डायरेक्टर के नियुक्ति तक बढ़ाया गया कार्यकाल। अग्निपथ के खिलाफ 27 जून को देशभर में सत्याग्रह करेगी कांग्रेस, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस ने 25 जून को किया तलब, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान के बाद हुई हिंसा के मामले में बुलाया गया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, इस साल जनवरी से जारी थी मूसेवाला की रेकी, अब तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। असम में बाढ़ से जारी है तबाही, 32 जिलों में 54 लाख लोगों पर असर, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की गई जान। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को किया रद्द, कोर्ट ने कहा अमेरिकी लोगों को सार्वजनिक रूप से बंदूक ले जाने का मौलिक अधिकार। अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप के मलबे में दफन अपना सामान खोजते दिखे लोग, हाथों से मिट्टी खोदकर सामान बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, अफगानिस्तान में भूकंप के कारण 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अर्जेंटीना में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, आसमान छूती तेल की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर लगाया जाम, ट्रक चालकों ने सड़क पर जाम लगाया। नॉर्थ और सेंट्रल चीन में भीषण गर्मी से लोगों की बड़ी मुसीबत, गर्मी से फसलों को भारी नुकसान। अर्जेंटीना की एक रिहायशी बिल्डिंग में लगी भीषण आग, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, आग से भारी नुकसान की आशंका। हड़ताल के कारण ब्रिटेन की रेल सेवा पूरी तरह से प्रभावित, महंगाई के हिसाब तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर बढ़ाई सभी देशों की टेंशन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने सैन्य अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। कोविशील्ड की दोनों डोज लेने के बाद घूम सकते हैं दुबई, आज से दुबई के लिए फ्लाइट शुरू। बांग्लादेश के सिलहट में बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री और दवाएं,
बांग्लादेश के करीब 17 जिले बाढ़ से प्रभावित। रूस और यूक्रेन का आज 121वां युद्ध का दिन। यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय संघ के ऑफिस में सामने लहराया गया यूक्रेनी झंडा। पुतिन की सेना ने तेज किया यूक्रेन पर हमला, कई इलाकों में यूक्रेन सेना को बनाया निशाना, सेना के दर्जनों ठिकाने तबाह। भारत श्रीलंका टी20 सीरीज का पहला मैच, भारत ने श्रीलंका को 34 रनों से हराया, टीम इंडिया ने दिया था 138 रनों का लक्ष्य। एक जुलाई को बर्मिंघम में इंग्लैंड से एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया, इंग्लैंड पहुंचकर टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की। मुंबई में आमिर खान का दिखा खास अंदाज, सड़क पर उन्हें देख जुटी फैंस की भीड़, आमिर ने फैंस के साथ ली सेल्फी। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वेकेशन के लिए निकले अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा, एयरपोर्ट पर एक साथ दिखे दोनों। एक्टर ईशान खट्टर हैं बाइक्स के शौकीन, मुंबई की सड़कों पर बाइक राइड का मजा लेते हैं दिखे ईशान। फिल्म जुग जुग जियो हुई रिलीज, फिल्म में वरुण धवन की आर आडवाणी की दिखी शानदार केमिस्ट्री। फिल्म शमशेरा का नया पोस्टर आया सामने, हाथ में कुल्हाड़ी दिखे डकैत लुक में दिखे रणबीर कपूर, 22 जुलाई को रिलीज होगी। मुंबई के बांद्रा में अभिनेत्री रकुल प्रीत हुई स्पॉट, कैफे से बाहर आई नजर, कैमरे के सामने दिए जमकर पोज़।